2024 लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में बिसात बिछनी शुरू हो गई है। 2022 विधानसभा चुनाव, आजमगढ़ और रामपुर जीत से गदगद बीजेपी को समझ में आ गया है कि केवल हिंदुत्व के पिच पर खेलने से 2024 में 80 की 80 सीटें जीतने का सपना पूरा नहीं हो सकता। बहरहाल आरएसएस और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने पसमांदा मुसलमानों को अपने पाले में लाने का प्लान किया। यूपी के मुसलमानों में पसमांदा मुसलमानों की आबादी इतनी है कि अगर उसमें से कुछ प्रतिशत भी बीजेपी जोड़ लेती है तो सपा और बसपा के लिए स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। बहरहाल बीजेपी ने पसमांदा मुसलमानों को जोड़ने के लिए कई प्लान तैयार किए हैं और लगातार सम्मेलन पर सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। खबर तो यहां तक आ रही है कि इस बार निकाय चुनाव में बीजेपी 1200 पसमांदा समाज के प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की तैयारी में है। हालांकि बीजेपी के इस फैसले से मायावती कुछ खासी नाराज दिख रही हैं और बीजेपी पर खूब हमला भी कर रही हैं। उन्होंने अपने तर्कश से कई तीर निकाले और दनादन ट्वीट्स दे मारे। उन्होंने अपने ट्वीट में बीजेपी पर हमला करते हुए लिखा है, अपने केवल संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ की खातिर पसमांदा मुस्लिम समाज का राग भाजपा और आरएसएस का अब नया शिगुफा, जबकि मुस्लिम समाज पहले मुसलमान है तथा उनके प्रति इनकी सोच, नियत, नीति एवं उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या और कैसा है ये किसी से भी छुपा नहीं है। भाजपा के मुस्लिम समाज के प्रति नेगेटिव सोच का परिणाम है कि इनकी सरकार में भी वो लगभग उतने ही गरीब, पिछड़े, त्रस्त एवं जान माल मजहब के मामलों में असुरक्षित है जितने वो कांग्रेसी राज में थे। मुस्लिम समाज का दलितों की तरह पसमांदा व उपेक्षित बने रहना अति दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण। जबकि बीएसपी की यूपी में चार बार रही सरकार में सर्व समाज के हित, कल्याण व सुरक्षा सम्मान के साथ साथ हमेशा उपेक्षित रहे दलित, पिछड़ा एवं अक्लियत समाज के लोगों की जान माल मजहब आदि की सुरक्षा तथा न्याय की गारंटी यहां पहली बार कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके सुनिश्चित की गई। मायावती चाहे जो कहे, लेकिन जानकारों की माने तो मायावती भी अब वही काम कर रही है जो हैदराबाद वाले भाईजान यानी कि असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। गोपालगंज सीट पर हार का फैसला महज 1.07% वोटों के अंतर से हुआ था और कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी हार और जीत के बीच का फासला करीब करीब ऐसा ही रहा, सिर्फ 0.95% का, और दोनों सीटें बीजेपी निकाल ले गई और नुकसान अखिलेश यादव को झेलना पड़ा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आगे मायावती की काट अखिलेश यादव के पास है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।